आज हम बड़ी वाली हरी मिर्च और लच्छेदार प्याज की पकौड़ी बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लच्छेदार प्याज की पकौड़ी बनाएंगे, जो टेस्ट में बेस्ट है, आप ज़रूर ट्राई करना। लच्छेदार प्याज की पकौड़ी के लिए हमें गोल आकार में प्याज को कट करना है और फिर हम इन्हें ऐसे खोल देना है। कुछ एक को हम खोल देंगे, कुछ एक हम नमक जब डालेंगे तब खुल जाएंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 3/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इन्हें मिलाएंगे। प्याज को अच्छे से मिलाने के बाद हम थोड़ा निकाल देंगे। जितनी की हमें पकौड़ी बनानी है उसमें ही हम बेसन ऐड करेंगे। इसमें हम 2 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा बेसन इसमें मिलाकर हमें इसे मिलाते रहना है। टोटल हमने इसमें 6 टेबल स्पून बेसन ऐड किया है। स्वाद अनुसार नमक हम इसमें और ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है। इसमें एक बात का ध्यान रहे, जिस समय हमें पकौड़ी निकालनी है उसी समय हम बेसन इसमें ऐड करेंगे। एक पेन में हमने ऑयल गरम किया है। ऑयल जब गरम हो जाएगा तब हमें खोलते हुए पकौड़ियाँ निकालनी है, आपस में चिपके नहीं। ध्यान से हमें इसमें डालना है। ये पकौड़ियाँ बड़ी क्रिस्पी और टेस्टी होगी खाने में। जब ये अच्छे से फ्राई होने लगेगी तब हम इसे हिलाएंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इनका कलर ब्राउन होने लग गया। अब हम इन्हें निकालेंगे। गरम गरम लच्छेदार प्याज की पकौड़ियाँ रेडी है। बड़ी वाली हरी मिर्ची को हमने इस शेप में कट किया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे और मिलाकर इसे 10 मिनट रखेंगे। 6 टेबल स्पून हम इसमें बेसन ऐड करेंगे और थोड़ा वाटर डालकर और स्वाद अनुसार नमक डालकर हम इसका पेस्ट बनाएंगे। एक पेन में हम ऑयल गरम करेंगे। ऑयल जब गरम हो जाएगा तब हम ये मिर्ची की पकौड़ियाँ निकालेंगे। इसी तरह हम सभी मिर्ची को इसके अंदर डालेंगे। यदि आप चाहते हैं तो बेसन का पेस्ट अलग से भी बनाकर मिर्ची को उसमें डीप करके आप ये पकौड़ियाँ निकाल सकते हैं और इन्हें हम हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये ब्राउन हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है, हम इन्हें निकालेंगे। गरम गरम मिर्ची की पकौड़ी रेडी है। बनाइए और टेस्ट का आनंद लीजिए। थैंक यू।